नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका साइकोलॉजी की क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बाद बाल विकास के बारे में कि बालक का जो विकास है वो किन किन चरणों से, किस किस गति से, किस किस रूप से गुजरता है। उसी बालक के विकास के बारे में हम चर्चाएँ कर रहे हैं। पिछली क्लासों में आशा और उम्मीद यही रखेंगे कि अच्छे तरीके से, अच्छी जितना भी हमने करवाया है वो सारा का सारा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। देखिए, बालक के विकास में अगर हम चर्चाएं कर रहे हैं तो हमारी क्लास मनोविज्ञान में ही बालक के विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाल विकास के बारे में। और बाल विकास में हम पढ़ते पढ़ते आ गए थे बालक के विकास के सिद्धांत, नहीं बाल विकास में हम पढ़ते पढ़ते पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बालक की ये वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ रहे थे बाल विकास में। और वृद्धि और विकास में, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में हम चर्चाएँ कर रहे थे। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में देखिए साथियों, वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में एक तरफ हम लिखते हैं अभिवृद्धि, दूसरी तरफ था हमारा विकास। इसके सामान्य अंतरों को हमने जान लिया था। इसके अंतरों के जानने के पश्चात हम जो अभी जिसकी चर्चाएं कर रहे हैं, सॉरी, इसके अंतरों को तो हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था। अभी है जो हमारे पास जो टॉपिक है अभी नया, वो है बालक के, नहीं सॉरी, अभिवृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत कारक हमने पहले पढ़ लिए थे। अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों की चर्चाएं चल रही थी आगे क्लास में। अभिवृद्धि विकास के सिद्धांतों में हमारा पहला सिद्धांत था साथियों समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, उसके बाद में हमारा दूसरा जो सिद्धांत इसमें जो था वो था सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, उसके बाद में हमारा था विभिन्नताओं का सिद्धांत। उसके बाद में हमारा था परस्पर संबंध का सिद्धांत। फिर था हमारा दिशा का सिद्धांत। फिर था हमारा चक्राकार विकास का सिद्धांत, इसे ही कहते हैं वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत थे हमारे मुख्य रूप से। इनमें एक सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत भी था, उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, ये मुख्य सिद्धांत पढ़े जाते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के। अभिवृद्धि एवं विकास के मुख्य सिद्धांतों में हम इनको पढ़ते हैं। सिद्धांतों में हमने कुछ सिद्धांतों की चर्चाएं भी कर ली थी साथियों। पहला हमारा सिद्धांत था समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, दूसरे पिछले वीडियो में पढ़ा है।
उसके बाद में था सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नताओं के सिद्धांत के बारे में शायद हमने नहीं पढ़ा, तो हम पढ़ते हैं। अगर पढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत अगर दोबारा भी आएगा तो ध्यान रखना। विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभिन्नताओं के सिद्धांत में मैं कहूं कि मुख्य रूप से विभिन्नताएं लिए हुए रहती हैं। ये सिद्धांत वृद्धि और विकास में, विभिन्नताएं कैसे, देखिए हमारा जो विकास, वृद्धि और विकास जो है वो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो अवस्थाओं पे करता है। किस पे करता है साथियों? अवस्थाओं पे। और अवस्थाओं पे करता है तो विभिन्नता मिलेगी ही मिलेगी। मैंने हाँ इसके बारे में मैंने पढ़ लिया था, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि चाहे दो प्राणी हैं एक परिवार में दो प्राणियों ने जन्म लिया है, दोनों का साथ में विकास, खान पान, रहन सहन, सारी क्रियाएं दोनों प्राणियों की एक साथ हुई है, और जब दोनों प्राणियों की एक साथ जो क्रियाएं हुई हैं तो आप मान करके चलिए कि जो ये मैं कहूँ ये क्या नाम आपका, चाहे उनके खान पान में, रहन सहन में दोनों का साथ में पालन पोषण हुआ है, एक साथ बड़े हैं, एक साथ खान पान रहन सहन सारी की सारी क्रियाएं की है, लेकिन साथियों उनके किसी न किसी रूप में अंतर मिलेगा आपको, चाहे बोलने में मिल जाए, चाहे उनके सांस्कृतिक स्वरूप में मिल जाए, चाहे शारीरिक स्वरूप में मिल जाए, चाहे मानसिक स्वरूप में मिल जाए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, विवेक, बुद्धि, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई अंतर जरूर उनको देखने में मिलता है। इनमें हम चर्चाएं करते हैं तो हमारे पास अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है सहसा अवस्था। बाल विकास में मुख्य अवस्थाओं के बारे में हम चर्चाएं करते हैं तो ये महत्वपूर्ण अवस्था है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था जो है हमारी वो है किशोरावस्था। उसके बाद जो चौथी अवस्था है जिसको हम पढ़ते हैं कई बार प्रौढ़ावस्था। देखिए हमारी जो सहसावस्था है, सहसावस्था में हमारा प्राणी के जो विकास के बारे में हम चर्चाएं करें, मुख्य रूप से विकास शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ये जो विकास हैं, इन विकासों में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की क्या देखने को मिलती है, भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब साथियों भिन्नताएं अवस्थाओं के आधार पर देखने को मिलती हैं। इन अवस्थाओं के आधार पर भिन्नताओं में देखिए सबसे पहले हमारे पास है सहसावस्था। अब सहसावस्था में हम प्राणी का शारीरिक विकास, एक तो कौन सा विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक हम किससे संबंध रखते हैं, शरीर से, और शरीर से संबंध रखते हैं वो किसका रखा जाएगा, वृद्धि का। दूसरा इसी अवस्था में मानसिक विकास, कौन सा विकास, मानसिक विकास, मानसिक विकास का हम संबंध रखते हैं मस्तिष्क से, और मस्तिष्क किस में रखा जाएगा, विकास में रखा जाएगा, ये वृद्धि और विकास के दोनों स्वरूपों में रखे जाते हैं। अब यहाँ इस सहसा अवस्था का जो सामान्य मत माना जाता है 0 से 6 वर्ष माना जाता है, जीवन मनोवैज्ञानिकों ने माना है, किसी ने 3 वर्ष माना है, किसी ने 4 वर्ष माना, किसी ने 4 से 5 या इतनी वर्षों को इन्होंने आधार माना और कहा कि प्राणी का जो विकास पूरे जीवन में उतना सीख जितना सीखता है प्राणी, उसका जो 50% होता है शुरू के 3 वर्ष में मान के चलो, 4 वर्ष में मान के चलो, 5 वर्ष में मान करके चलो, इन अवस्थाओं में प्राणी पूरे जीवन में उस जितना उसने सीखा है उसका 50% उसने कौन सी अवस्था में सीखा है, केवल और केवल शेष अवस्था में सीखा है। उसके बाद दूसरी अवस्था बाल्यावस्था आती है, 6 से 12 वर्ष माना जाता है सामान्य औसतली, अगर हम माने ये सामान्य स्वरूप है साथियों, किसी विद्वान या मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं है। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति से शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा था,
इसी यही स्वरूप आकर के शैशव अवस्था के बाद बाल्यावस्था में आता है, और बाल्यावस्था में आने के बाद शारीरिक और मानसिक विकास दोनों मंद गति हो जाती है। क्या हो जाती है? मंद गति हो जाती है। फिर वापिस पुनः किशोरावस्था आती है तो एक बार पुनः तीव्रता लेकर के आता है। इसी कारण से इसमें भिन्नताएं बनी रहती हैं, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो। इसके अलावा मैं कहूँ कि प्राणी की जो भिन्नताएं हैं वो तो बनी रहती हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कहूँ कि चाहे वो प्राणी, दो प्राणी इस सृष्टि में, दो प्राणी एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है, नहीं होने का मतलब देखिए, उनमें चाहे हमें यहाँ लिखूँ शारीरिक स्वरूप में भिन्नताएं मिलेंगी, अगर शारीरिक स्वरूप में नहीं है तो मानसिक स्वरूप में भिन्नताएं मिलेंगी, मानसिक में भी नहीं है तो संवेगात्मक स्वरूप में भिन्नताएं मिलेंगी, संवेगात्मक में नहीं है तो सामाजिक में मिलेंगी। इसी तरीके से साथियों, शारीरिक में नहीं तो मानसिक में, मानसिक में नहीं तो सामाजिक में, सामाजिक में नहीं तो संवेगात्मक, संवेगात्मक में नहीं तो बुद्धि में मिलेगी, बुद्धि में नहीं तो उसके जो खान पान में मिलेगी, खान पान में नहीं तो भाषा में मिलेगी, भाषा में नहीं तो रहन सहन में मिलेगी। कहीं ना कहीं कहने का तात्पर्य साथियों, भिन्नता जरूर मिलेगी, और जिनमें मुख्यतः जो भिन्नता पाई जाती है वो जो, अरे मैंने कहा, बार बार कहा कि दो, कोई भी दो प्राणी है वो एक जैसे नहीं है, और जो भिन्नताएं पाने के कारण, यही बात इस सिद्धांत में कहता है, सिद्धांत को इसी कारण से विभिन्नताओं का सिद्धांत कहा जाता है। ये था साथियों हमारा विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसके बारे में देखिए, विभिन्नताओं का सिद्धांत, इसके बाद में हमने जो परस्पर संबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत के बारे में भी हमने चर्चाएं कर ली थी कि परस्पर संबंध होना चाहिए। किसका होना चाहिए? एक बार पुनः बता रहा हूं, एक तो हमारा शारीरिक स्वरूप है, शारीरिक स्वरूप, दूसरा मानसिक स्वरूप, इनका, इसके बाद में मैं यहां लिखूं सामाजिक स्वरूप, और उसके बाद में यहां लिखूं संवेगात्मक स्वरूप। इन सभी में परस्पर संबंध होना चाहिए। अगर जब इनमें सभी में परस्पर संबंध होगा तो ही प्राणी का, चाहे वो वृद्धि हो चाहे वो विकास का हो, इनमें अगर संबंध होगा, आपका शारीरिक संबंध मानसिक रूप से है, मानसिक का सामाजिक से, और सामाजिक का संवेगात्मक रूप से है, तो ही उनकी वृद्धि है वो अच्छी हो सकती है, तो ही उनका विकास अच्छी गति से हो सकता है। तो कहने का मतलब परस्पर इनमें संबंध होना जरूरी है। आप किसी एक तत्व के आधार पर ये नहीं कह सकते साथियों, आप किसी एक अकेले तत्व के आधार पर ये नहीं कह सकते कि प्राणी का शारीरिक स्वरूप सही है, इस प्राणी का अकेला शारीरिक स्वरूप सही है तो उसकी वृद्धि और विकास उच्च गति से होगी, अच्छी गति से होगी, ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके शारीरिक स्वरूप के साथ साथ हमें मानसिक स्वरूप चाहिए, और मानसिक स्वरूप के साथ साथ सामाजिक स्वरूप भी चाहिए, संवेगात्मक स्वरूप भी चाहिए। यानी ये जितने भी, जितने हमने कारक पढ़े थे, इनको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे, वो कारक अगर परस्पर संबंध बनाएंगे, एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध होगा, तो ही उनकी वृद्धि हो चाहे विकास हो वो आगे सही गति से बढ़ पाएगी। उसके बाद में देखिए, अगला हमारा सिद्धांत आता है दिशा का सिद्धांत। हमने वृद्धि और विकास में पढ़ा था, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने एक तरफ लिखा था वृद्धि, एक तरफ लिखा था विकास, इसके अंतर पढ़ रहे थे हम। और जब इसके अंतर पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज लिखी थी कि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, याद आया? विकास में हमने लिखा था विकास की एक निश्चित दिशा होती है, ये हमने पढ़ा था कि वृद्धि में हमने पढ़ा था साथियों कि कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास में हमने पढ़ा था कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। जब हमने ये चीजें पढ़ी
तो उसी को हम यहाँ पढ़ेंगे, उन्हीं अंतरों को, कि दिशा का सिद्धांत। अब दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? हमें केवल और केवल इतनी ही बात पता चली कि वृद्धि की तो कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की कोई निश्चित दिशा होती है। अब वो दिशा कैसी होती है, किस ओर होती है, यहाँ पे दिशा का अर्थ क्या है, दिशा से तात्पर्य क्या है, वो चीजें हम इसमें पढ़ते हैं दिशा के सिद्धांत में। हमारा अगला सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, दिशा के सिद्धांत में देखिए साथियों, एक दिशा होती है। दिशा कौन सी? ये प्राणी है, ये प्राणी है, और ये कौन सा हिस्सा है उसका? ये सिर है, और ये क्या है? ये उसके पांव। तो दिशा यही है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ये। तो इसमें जो विकास होता है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है, मैंने कहा वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो विकास की जो दिशा है वो कौन सी है साथियों? जो वृद्धि की तो दिशा है ही नहीं। अगर दिशा है ही नहीं, ये मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि सभी की हाइट समान नहीं है, सभी का वजन समान नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप्ड रह जाते हैं, किसी की कुल्ले की हड्डी बढ़ जाती है, किसी की हाथ की हड्डियां बढ़ जाती हैं। एक प्राणी के दो हाथ हैं, दोनों हाथ समान नहीं हैं, एक हाथ छोटा है एक बड़ा है। किसी के पाँव में चोट लग गई, इसके कारण उस हड्डी ने वही अवरोध आ गया उस हड्डी में, उस हड्डी का आगे वृद्धि, वो हड्डी आगे वृद्धि नहीं कर सकी। इस कारण से अगर उनकी कोई दिशा होती साथियों, तो वो चीजें लगातार चलती रहती, एक समान दिशा में चलती अगर कोई दिशा होती तो। और जब अगर दिशा होती तो साथियों सोचिए, अगर दिशा होती तो सभी की समान हाइट होती, सभी का समान वजन होता, सभी की समान हाथों की लंबाई होती, सभी के सीने की लंबाई होती। यानी सारा सोचने का तात्पर्य ये है कि अगर ये जो ये मेरा कहने का तत्व कि अगर विकास की वृद्धि की कोई दिशा होती, हाथ का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारे के सारे किसके स्वरूप हैं? वृद्धि के हैं। अब वृद्धि के हैं तो वृद्धि की हमने एक ही बात कही कि वृद्धि की दिशा नहीं है, विकास की एक निश्चित दिशा है, उसको हम सिद्ध करेंगे, अभी पुष्टि करेंगे उसकी। इसीलिए मैंने कहा कि सभी का एक समान ना होना क्या है? वृद्धि की दिशा का ना होना। और जो वृद्धि की दिशा नहीं है तभी हम ये कहेंगे कि वो एक समान शुरू में नहीं है। ये हमने पढ़ा था विकास में साथियों, वृद्धि और विकास के अंतरों में हमने पढ़ा था कि विकास की एक निश्चित दिशा होती है सिर से पांव की ओर। अब ये क्या होता है साथियों, ये सोचिए कि प्राणी जब जन्म लेता है तो उसका सबसे बड़ी जो आकृति होती है वो किसकी होती है? सिर की होती है। अब सिर की होती है तो प्राणी का सबसे पहले जो विकास होता है वो सिर का होता है। अब सिर का विकास होने के बाद वो उस गर्दन को, पहले सिर को उठाने की कोशिश करता है, फिर गर्दन को, और इसी गर्दन के सहारे इन्हीं ये जो कंधे हैं, इन कंधों के सहारे ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है नीचे कमर का, इसको उल्टाने की कोशिश करता है, इधर उधर पलटे लगाता है ना बालक, तो इन्हें उल्टाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे हाथों के अंगुलियों की ओर बढ़ता है, पहले धीरे धीरे हाथों, अंतिम स्वर में अंगुलियों की ओर बढ़ता है, फिर नीचे धीरे धीरे, और अंतिम स्वरों में जाते जाते प्राणी की अंगुलियों का विकास होता है। जब ये इस तरीके से चलता है तो ही हमने कहा कि प्राणी का जो विकास है वो किस से किस की ओर चलता है? सिर से पांव की ओर चलता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, एक निश्चित दिशा हो गई। अगर साथियों निश्चित दिशा ना होती, अगर ये निश्चित दिशा ना होती तो आप ये बात मान करके चलिए कि दिशा नहीं होती तो वृद्धि का स्वरूप है वो एक सही स्वरूप नहीं होता। सही स्वरूप इसलिए नहीं होता साथियों क्योंकि वृद्धि में, मैं यहां लिखूं, देखिए
मैंने एक ही बात कही, उसको भी समझ लीजिए आप। अब आपके मस्तिष्क में एक बात तो ये होनी चाहिए कि विकास की क्या है, विकास की एक निश्चित दिशा है। पहली तो बात यहां तक आपको पूछ ले, अगर फिर भी वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करे, यहां तक मान के चलो ना पूछे, तो वो पूछेगा कि दिशा तो होती है विकास की साथियों, लेकिन वो दिशा कौन सी होती है। ज्यादा से ज्यादा वो यहां तक पूछ लेगा, तो आप यहां दिशा में कहोगे कि विकास की दिशा सिर से पांव की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ ले। विकास की निश्चित दिशा होती है सिर से पांव की ओर। अब सिर से पांव की ओर क्यों होती है, मैंने बताया कि प्राणी सबसे पहले अपने सिर को व्यवस्थित करता है। और आप गौर करना, जब भी बच्चा जन्म ले तो सबसे बड़ा जो उसका आकृति होती है, शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों में सबसे बड़ी जो आकृति होती है वो किसकी होती है, सिर की होती है। अब सिर का जो आकार है उस आकार के सहारे वो गर्दन जो है उस गर्दन को व्यवस्थित करता है। उस गर्दन को व्यवस्थित करने के बाद उन कंधों के बल इधर उधर जाने की कोशिश करता है। कंधे गर्दन और सिर के सहारे वो अपनी जो कमर का जो भाग है उस कमर के भाग को उल्टाने की कोशिश करता है। आप गौर करना, कभी छोटा बालक हो जिसका विकास इसी गति से चल रहा हो, जन्म लेगा तो सिर का भाग जबसे बड़ा होगा और सिर के सहारे सिर को उठाने की कोशिश करेगा, उठेगा नहीं लेकिन कोशिश करेगा, और उस फिर गर्दन का विकास थोड़ा सा होगा तो अपनी जो बाहें उनके सहारे कमर को उठाने का प्रयास करता है गर्दन को, और ये उठाने के पश्चात फिर धीरे 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 नीचे जाने के पश्चात फिर अंतिम समय में पांव की अंगुलियों का विकास नीचे, फिर पांव का, फिर अंतिम समय में पांव की अंगुलियों का विकास होता है। तो ये इसी क्रम में होने के कारण ही हमने इसको क्या कहा, सिर से पांव की ओर विकास का सिद्धांत हमने इसको कहा कि प्राणी का स्वरूप इसी तरीके से चलता है। इसका ये हमारा ये सिद्धांत हुआ सिर से पांव के विकास का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत बचे हैं, इनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद साथियों।